हाय गाइस, वेलकम टू एडो सोल्यूशन ओवरसीज गाइस, एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं इसेंशिया बिजनेस स्कूल माल्टा के लिए सो गाइज यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं तो माल्टा भी एक लीडिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि यहां पर लाइक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर्स में आप डिप्लोमास कर सकते हैं यूजी और पीजी तो कर ही सकते हैं इसके अलावा गाइज यहां पर आपको इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी सो so दैट आप अपने अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं सो so गाइज

गाइज यहीं पर अगर हमें मास्टर्स के लिए जाना है तो काफी सारे ऑप्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी कोर्स ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे गाइस एडमिशन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जीपीए का स्कोर आइल्स ओवरऑल 5.5 और 6 पेंस तक चलेगा मतलब 5.5 मिनिमम है चलेगा टोफेल भी एक्सेप्टेड है गाइज अगर आयल्स नहीं है टोफेल नहीं है चलेगा एम ओ आई भी एक्सेप्टेबल है अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो डेफिनेटली आपको आयल्स या टोफेल देना पड़ेगा लेकिन अगर आपने सी बी एस ई इंग्लिश मीडियम से अपना स्टडीज किया है तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा ताकि ये प्रूफ हो सके कि आपका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है और गैज कई कंट्रीज uh, में कई यूनिवर्सिटीज में ओपन बोर्ड एक्सेप्ट नहीं होता है है ना या तो स्टेट बोर्ड चलता है या फिर सीबीएसई वगैरह चलता है आईबी वगैरह चलता है बट यहां पर ओपन बोर्ड भी एक्सेप्टेबल है तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका आपको एसेंशियल बिजनेस स्कूल देता है काइज गैप्स का भी कोई इशू नहीं है ऑफिशियली तो एसेंशियल बिजनेस स्कूल के हिसाब से फाइव ईयर्स का गैप चलेगा बट अगर इससे ज़्यादा का भी है तो भी हम एक जस्टिफिकेशन के थ्रू Uh, आगे इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं गाइज एवरेज ट्यूशन फीस की बात करूं तो मास्टर्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 थाउजेंड यूरोज पर ईयर रहता है बैचलर्स के लिए जाते हैं तो अप्रॉक्स 10,000 थाउजेंड यूरोज पर ईयर रहता है और गाइज यूजुअली माल्टा के जितने भी uh, ऑर्गेनाइजेशन हैं इंस्टीट्यूशन हैं सभी में एप्लीकेशन फी आपको देनी होती है पर इसेंशियल बिजनेस स्कूल में एप्लीकेशन फी भी वेव ऑफ है तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है एटलीस्ट हम एप्लीकेशन लगाने में हेजिटेशन नहीं करेंगे गाय स्कॉलरशिप की बात करूं तो अप टू थर्टी परसेंट स्कॉलरशिप यहां पर आपको मिल रही है तो ट्यूशन फीस जो है उसके अलावा अगर आपको अप टू थर्टी परसेंट का स्कॉलरशिप भी मिल जाता है तो ट्यूशन फी भी बहुत कम हो जाती है तो गाय ये स्कॉलरशिप आप कैसे अवेल कर सकते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके डेफिनेटली उसके लिए आपको हमारे टीम से कनेक्ट करना होगा ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर सकें सो गाइज इसेंशिया बिजनेस स्कूल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपको दे दी है गाइज़ माल्टा इट्स एक ब्यूटिफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहुत ही अच्छा कंट्री है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स माल्टा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें वहां देखने को मिल रही है एंड गाइस डाइवर्सिफाई ऑप्शंस भी आपको माल्टा में मिल जाते हैं सो गाइस आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और हमें मौका दें आप कि हम ऑफर लेटर से लेकर वीज़ा तक का सारा सफर आपके बिहाफ पर तय करें क्योंकि अगर आप पर्सनली करते हैं तो एक छोटी सी गलती आपको एक साल पीछे ले जाएगी सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बट प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच टेक केयर